ठीक है बच्चे लोग, अब देखिए अब हम लोग सेकंड पार्ट आ रहे हैं आईपीएससी पर। इसमें अब एक बात देख लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी उलझा देता है। जैसे बताइएगा, जैसे हम यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहे हैं, आप बताना कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको बताना है। ये बताइए इसमें कौन सा, इस कंपाउंड में कौन सा एफ जी आपको दिख रहा है, बोलिए कौन सा दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप। एक और चीज़ सुनिए, जैसे देखिए सपोज करो ये यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप है, ध्यान देखना भाई ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर है ये एन एच और एच है, तो इसका नेमिंग क्या होगा आईपीएससी? तो इमीडिएट क्या करना है, पहचानो कालिया, ये एन एच टू है, ये एन एच टू है सीएचओ, तो याद रखो सीएचओ टॉप पर था, मैंने इसके ऊपर था, और यहीं से नंबरिंग चालू हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो देखो ये हो गया मेन चेन, ये फार्मूला क्या है, प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप। जो लोग ये फार्मूला नहीं लिखते हैं शुरुआत के दौर में, उन्हीं से गलती होती है, इसलिए इसको हम 100 बार लिखवा रहे थे, अगर आपको याद हो 100 टाइम्स। तो प्रीफिक्स में क्या हो गया, देखो तो ये 3 पर एमिनो, क्योंकि ये सेकेंडरी प्राइम तो एमीन, सुनो जैसे यही सपोज करो यही वाला ये होता, ये ऐसा होता, ये एन एच टू, ये तो यही था मेन ग्रुप। लेकिन अब यहाँ से वन नहीं करेंगे नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है, जिस एफ जी में खुद ही कार्बन है वो तो नंबर वन हो जाएगा, लेकिन एल्कोहल एमीन इमीन इन सब पर तो कार्बन है नहीं, तो वो नियरेस्ट कार्बन, तो इसके बिल्कुल नियरेस्ट यहाँ चलेंगे तो ये 1 2 3, यहाँ चलेंगे तो ये 1 2 3। तो अब यह सवाल कि कहाँ चलेंगे, तो अगर यहाँ चलेंगे तो 3 और फिर 4 पर आ जाएगा ये, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। तो फार्मूला प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या हो गया, तब हो गया 2-methyl, तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl, और ये 5 है तो ये पेंट नंबर, नेचर सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन, और ये 3 पर अमीन है तो ए वाबल है तो ई हटा देंगे तो एन, और ये 3-amine, ये हो गया नाम, यानी यहाँ पर ये NH2 ही मेन का लिया था इसमें, राइट। लेकिन यहाँ पर अब इसका चाचा आ गया, यहाँ पर ये CHO, तो वो पावरफुल हो गया, तो अब ये हो जाएगा प्रीफिक्स। तो जैसे ये वहाँ पर 2 पे था मिथाइल, वैसे 3 पे एमिनो अल्फाबेटिकल, तो ए पहले आएगा, तो अब क्या लिखेंगे इसका, तो इसकी नेमिंग करेंगे यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 3-amino, ये हो गया, और 2 पे 2-methyl, आपने ये नोट कर लिया 3 पहले 2 बाद में, क्योंकि उसका मतलब नहीं, मतलब है अल्फ़ाबेट ए और एम, ए पहले, ये हो गया प्रीफिक्स। नंबर कितना है 5, तो उसी कंडीशन में सेम कंडीशन में पेंट नेचर, नेचर क्या है, नेचर सिंगल बॉन्ड हर जगह है, कहीं डबल बॉन्ड, डबल होता तो इन, कहीं होता ट्रिपल तो आइन, इन आइन दोनों तो इन आइन लिखते, तो खाली एन है, तो पेंट इसी में सेम एन, और आगे क्या लिखेंगे, वन अल, तो वन लिखते नहीं, अल है तो ई हटा देंगे क्योंकि ए वाबेल है, तो ये एन अल, ई हो गया, तो 3-amino 2-methyl पेंट एन अल। आप चाहें तो इससे स्ट्रक्चर आ सकते हैं, समझ आ गया ये, तो अच्छा। लेकिन इसी में एक और देखो बदलाते हैं, सपोज करो इस एन पर अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं CH3, ये अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने क्या किया, उस एन पर भी आपने एक और जोड़ दिया CH3, जैसे ये है CH3, तो ये 2-methyl है और ये एन पर मिथाइल है, हेट्रो एटम पर मिथाइल, ठीक। तो इस अब कैसे करेंगे, सपोज करो कि CH3 नहीं था तो लिखते थे 3-amino, ये लिखे 3-amino, लेकिन अमीनो पर CH3 है तो यहाँ पर 3 और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे एन मिथाइल एमिनो, ये बता रहा है किस एमिनो के एन पर ये मिथाइल है, ठीक है, तो एन मिथाइल एमिनो, और बाकी नेम फिर ऐसा रहेगा, समझ गए, एन मिथाइल। इसी में सपोज करो इनवा ये CH3, तो फिर क्या बोलते हैं, 3 पर ये फिर एन डाई मिथाइल एमिनो, ये बोलते ऐसे, समझ में आ रहा है ये।
तो इस तरह से एनिमी करेंगे। और सपोज करो एक पर सी एच थ्री है और एक पर सपोज करो सी टू एच फाइव है, तो फिर बोलेंगे थ्री, क्योंकि ये मेन तो थ्री पर सब ये थ्री पर, फिर ब्रैकेट में, फिर ये एन पर इथाइल और फिर एन पर मिथाइल और फिर एमिनो, लास्ट में एमिनो रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो नेक्स्ट होता। अब इसको देख बताइए इसमें कौन सा, इसका नेमिंग क्या होगा इसका। तो जैसे अगर हम ले लें एच सी एच ओ, तो ये है मैथ ए नल। देखो कॉमन गलती क्या करेंगे बता रहा हूँ मैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमीनो मिथेनल और एन एन पर, तो ये एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल ब्रैकेट में ये एमिनो और फिर यहाँ लिखेंगे मीथेनल। ये गलत नाम है क्यों, आप ध्यान देखिए। अरे भाई जिससे देखो ये एन और सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो कौन सा ग्रुप है, कैल्डिहाइड है। अरे भाई मेरे ये ग्रुप है, ये देखो ये एच लगा दें तो ये दिख रहे हैं, ये एन एच सी ओ एच टू एमाइड है। मतलब जहाँ आपने सी ओ देखा तो सावधान हो जाइए, क्यों, क्योंकि सी ओ के पास में अगर ओ एच है तो एसिड, सी ओ के पास में अगर ओ आर है तो एस्टर, सी ओ के पास में अगर सील है तो एसिड हैलाइड, सी ओ के पास में अगर एच है तो एल्डिहाइड, सी ओ के पास में अगर आर है तो कीटोन, सी ओ के पास में अगर ओ सी ओ आर है तो ये एनहाइड्राइड, वही सी ओ के पास में अगर एन एच टू है तो एमाइड। तो यहाँ पर ये एमाइड ग्रुप है, इसको ओपन करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये एन एन डाई मिथाइल मिथेनल, उसी कंटिन्यूशन में मिथेनल, ये सॉरी क्या हो गया, मिथेनमाइड, एन एन डाई मिथाइल मेथ एन एमाइड मिथेनेमाइड मेथ एन एमाइड नंबर नेचर एफ जी, ये प्रीफिक्स नंबर नेचर एफ जी मिथेनेमाइड, ठीक है। मिथेनेमाइड का भी कॉमन नेम है, मिथेनेमाइड का नाम है फार्म एमाइड, जैसे मिथेनल है तो फार्मेल्डिहाइड, मिथेनोइक एसिड है तो फार्मिक एसिड, फार मतलब वन, फार में फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये आप ध्यान दिया कि एफ जी पहचानने का तरीका है, इसको ध्यान देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपने ये ऐसा लगा दिया OH, ये कॉमन कंपाउंड, इसका नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जिसके जाड़े में लगाते हैं तो स्किन नहीं होती है रोड, या पियर साबुन, जितने अच्छे साबुन हैं उसमें होता है ये ग्लिसरीन, तो इसका नाम है ये 1, 2, 3, तो ये प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ये हो गया इसका नाम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, राइट। इसी तरह से अगर हम इस पर जोड़ दें ये CN, ये अब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये 1, 2, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, क्यों, कॉमन नेम लिख रहे हैं, सुनो, यही अगर ये इस तरह से होता CN, तब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तब इसको बोलते पेंट एन, क्यों, प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस एफ जी, ये नहीं लिखेंगे तो गलती का चांस बढ़ जाता है, ट्रिक से कोई नहीं है, तो पेंटेन और ये 1, 2 पेंटेन, यहाँ पर ई लिखेंगे क्योंकि आगे आ रहा है डी यानी कि कंसोनेंट की वॉवेल, तो पेंटेन 1, 2 डाई नाइट्राइल ये, लेकिन यहाँ पर नाइट्राइल नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर ही नहीं करें, क्यों, जब 3 या 3 से अधिक ग्रुप आ जाएं, जैसे ये यहाँ पर लिख दिया आपने CHO, 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 ये इसके नाम क्या होगा, तो अभी एक ही कार्बन का चेन है तो अभी हो जाएगा मीथेन
वन 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 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि एक ही है, इसको क्या लिखेंगे फिर, टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि इसकी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों एक ही पर दो दो, अच्छा यही मान लो यही सी पर ये सिर्फ दो ही होता तब फिर ये वन टू थ्री इसका हिस्सा होता, तो फिर उसमें प्रोपेन वन थ्री डाई अल, तब कार्बोहाइड फिर अल बोलते, समझ गए, ये नेमिंग आपने देख लिया। इसी में एक और देख लीजिए, जैसे सपोज करो ये बेंजीन है और यहाँ लिखिए आपने सी ओ ओ एच, तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है, एक्चुअल नेम इसका है बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। ऐसे ही बेंजीन पर ये लिख दे सी ओ सी एल, तो इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन वन क्लोरोकार्बोनिल, या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। फिर देखिए जैसे सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है तो इसका कॉमन नेम है कार्बोनिल, कॉमन नेम है कार्बोनिल क्लोराइड, ये आईयूपीएसी नेम है ऑयल क्लोराइड, सेकेंडरी नेम है क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। तो हमने आप याद अगर मैं वीडियो फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो इसको हमने वहाँ पर लिखवाया था क्लोरोकार्बोनिल, वो भी सही था लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कार्बोनिल क्लोराइड कॉमन नेम, क्लोरोकार्बोनिल सेकेंडरी नेम, ठीक है। जैसे इसी में देखिएगा यहाँ पर, जैसे सपोज करो यहाँ लिख दिया हमने सी ओ ओ एच और यहाँ लिख लिया हमने सी ओ सी एल, तो अब ये मेन हो गया लेकिन नंबर यहाँ करेंगे वन टू जो रिंग पर, ये तो क्या बोलेंगे टू पर ब्रैकेट में, क्योंकि कंबाइंड नेम है, तो ये हो गया क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, और ये हो गया बेंजीन, बेंजीन वन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन है क्योंकि इसको नंबर ही नहीं कर रहे हैं, ओए इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसी की जगह सपोज करो, इसी जगह सपोज करो अगर लेते हैं हम सी एच ओ ले लेते हैं अगर हम, ये तो अब ये हो गया अमिताभ बच्चन, ये हो गया छोटे मोटे लोग, तो अब नंबरिंग यहाँ से फिर करते हैं ये वन और टू, तो फिर क्या बोलते हैं फिर ये वन टू, तो टू पर फार्मिल, तो यहाँ बोलते टू, अब आक्सो नहीं बोलेंगे इसको, टू फार्मिल, और फिर बेंज इन, देखो बेंज इन हो गया नंबर ऑफ नेचर, जैसे एथ इन वैसे बेंज इन, बेंज इन, और फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर ये वन कार्बोनिल क्लोराइड, यहाँ पर लिखेंगे वही वही वन है भी कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, समझ में आ गया। तो कब बोलेंगे क्लोरोकार्बोनिल जबकि सेकेंडरी है, कब बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड जबकि प्राइमरी के नंबर ना हो, ऐसा कहाँ आएगा सिस्टम जैसे कोई रिंग पे आ जाए, जैसे वही इसी में, इसी में देखो सपोज करो ये यहाँ पर लिख दिया जाए सी ओ सी एल सी ओ सी एल सी ओ सी एल, ये तो अब यहाँ से वन टू थ्री, तो क्या बोलेंगे प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये प्रोप एन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, एक ही कंटिन्यूशन रहने भैया, बल्कि कार्बोनिल क्लोराइड इसमें लिखे हैं ब्रैकेट तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसी में अगर ये हटा देते, ये अगर हटा देते अगर, तब अब नंबरिंग क्या होता, और यहाँ सी एच टू होता तो अब ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो अब उसको नंबरिंग कर दे रहे हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे पेंटेन, पेंटेन, और ई हटा देंगे पेंटेन वन फाइव डाई, पेंट एन वन फाइव डाई ऑयल क्लोराइड, बीच में एक यहाँ स्पेस देंगे ऑयल क्लोराइड, यहाँ भी कार्बोनिल क्लोराइड बीच में एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। ये तो ऑयल हैलाइड, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखते हैं जरा बाइसाइक्लिक और स्पायरो, इसको देखते हैं, मिटा इसको भाई, ठीक है। देखिए चलो अब हम लोग आ रहे हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड, देखो जैसे यहाँ पर ये और इसमें आपने ये यहाँ पर ये जोड़ दिया, तो दिस इज नॉट बाइसाइक्लिक। सुनो जैसे सपोज करो कि
डबल बॉन्ड यहाँ लेते हैं तो याद रखो डबल बॉन्ड प्रिफर्ड हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मेन। अरे एक मिनट मनीष, सॉरी ये बीच में बिल्ली आ गई थी, भगाना पड़ा। देखो तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये वन टू और ये थ्री, तो इसका नाम हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, और फिर क्या हो जाएगा ये, और फिर ये साइक्लोब्यूट वन इन ये। और मान लो डबल बॉन्ड कहीं पर नहीं है, सिर्फ यही प्रेजेंट है ये, तो फिर ये हो जाएगा साइक्लोहेक्जेन मेन हो जाएगा, तो नंबर यहाँ से करिए फिर ये वन, तो ये वन पर साइक्लोब्यूटाइल और ये मेन, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्जेन। ये समझ आ रहा है ये। इसी में अगर सपोज करो ये साइक्लोहेक्जेन है और सपोज करो ये डबल बॉन्ड था, तो इसको यहाँ ले लें एफ जी, तो भी ले लेंगे। सपोज करो यहाँ ले लिया आपने ओ एच, और यहाँ ले लिया आपने, यहाँ ले लिया आपने डबल बॉन्ड ओ, तो अब ये भी कालिया भी कालिया, तो याद रखो कीटोन को ज़्यादा देते प्रेफरेंस भाई, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अधिक प्रेफर करेंगे नॉन कार्बन कंटेनिंग से, ये ओ एच है तो बड़ा रिंग भी है, बताया तो डबल बॉन्ड ओ अगर यहाँ होता तो फिर इसको लेते मेन रिंग। तो अब ये नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे मेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये जहाँ जुड़ा तो वन प्राइम और टू प्राइम थ्री प्राइम फोर प्राइम, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस एफ जी, ये है फंडामेंटल आईपीसी फार्मूला। और साइक्लिक है अगर तो फिर जोड़ देंगे प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस एफ जी, ये उसमें हो जाएगा सुधार अमेंडमेंट, इसमें हो जाएगा, इसमें सुधार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सुधार हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, प्रीफिक्स देखो ये प्रीफिक्स, अगर ये ओएच नहीं होता तो बोलते टू साइक्लोब्यूटाइल, तो अभी क्या करेंगे साइक्लोब्यूटाइल पर ये, तो यहाँ लिखेंगे टू, यानी अगर ओएच नहीं होता तो होता टू साइक्लो, ये टू साइक्लोब्यूटाइल, लेकिन साइक्लोब्यूटाइल के ये टू पर ओएच है, तो टू पर ये टू प्राइम, याद रखो ब्रैकेट अंदर तो टू प्राइम लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है, तो टू और यहाँ पर हो गया टू, अब ये ओएच है तो ओनली हाइड्रोक्सी, तो टू हाइड्रोक्सी साइक्लो, टू हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल ये। और फिर आगे कंटिन्यूसन में सेम कंटिन्यूसन में कोई गैप नहीं, साइक्लो यहाँ हाइफन क्योंकि जगह नहीं था, साइक्लोहेक्स एन एन और ये वन ओन, क्योंकि वन पर ये कीटोन है, ये देखिए। इसी को आइए नेम से स्ट्रक्चर में, तो साइक्लोहेक्स तो इमीडिएट ये बना लीजिए, नंबरिंग कैसे भी कर दीजिए कैसे भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब क्या है टू पर, यानी यहाँ पर टू पर साइक्लोब्यूटाइल, तो टू पर जोड़ दिया अपने साइक्लोब्यूटाइल, तुरंत ही वन प्राइम टू प्राइम थ्री प्राइम फोर प्राइम, इस साइक्लोब्यूटीन के टू पर हाइड्रोक्सी, यहाँ पर OH, तो ये वाला टू, ये टू और ये टू अंदर वाला साइक्लो हो गया, तो बस हो गया यही कंपाउंड है, देख लीजिए सेम। और वन ओन, तो इस वन पर ओन यहाँ पर ये जोड़ देंगे, तो साइक्लोहेक्सेन वन ओन, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से अब ये इट इज़ नॉट बाईसाइक्लो, कब कहेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो तब होगा जबकि टू रिंग्स फ्यूज हो जाए किसी दो पॉइंट से, ये है बाईसाइक्लो। इसका कैसे करेंगे नंबरिंग, अब देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब देखिए, आइए देखिए। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग अब देख रहे हैं स्पायरो कंपाउंड, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड का देखिए एक कॉमन एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप ऐसे देखिए ये। तो यहाँ पर जो रूल है वो है ब्रिज हेड कार्बन BHC, क्या बताया हमने, यह ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन यानी BHC ब्रिजिंग कार्बन। देखो साफ दिखेगा ये दोनों, जहाँ पर दोनों रिंग फ्यूज हो उसको बोलते हैं ब्रिज हेड, जहाँ पुल बना हो। आप खुद देख सकते हैं जैसे यहाँ से वहाँ जाने का, यानी वन ब्रिज हेड से दूसरे रिंग का 3 मील का रास्ता, ये लंबा रास्ता है, ये थोड़ा सा छोटा, ये बिल्कुल छोटा है, देख रहे हैं। अगर ये कोई पुल हो तो इसमें 1 2 3 बीच में पिलर है,
और यहाँ वन पिलर है, बीच में कोई पिलर नहीं है, हावड़ा ब्रिज है, बीच में कोई पिलर नहीं है, राइट। तो ब्रिज हेड कार्बन को सबसे देंगे प्रेफरेंस, फिर देंगे, फिर इसके बाद में फिर देंगे लॉन्गेस्ट चेन, इसके बाद में देंगे लॉन्गेस्ट चेन, और फिर फंक्शनल ग्रुप, और फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर देंगे प्रीफिक्सेस। समझ गए, ये अंतर है। यानी हर हाल में नंबर आपको याद करना है, कोई एफजी डबल बॉन्ड कहीं पर कुछ भी हो, ब्रिज हेड कार्बन और फिर लॉन्गेस्ट चेन। कैसे पता करेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे बाई साइक्लो 310, समझ पा रहे हैं। ये थ्री कौन सा है, ये थ्री है, ये वाला देखो, ये ब्रिज में ये वन टू, ये थ्री, ये थ्री, और वन कौन सा, ये वन, और जीरो जो उसमें कोई है नहीं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रिज हेड से, तो यहाँ से चालू करेंगे। और फिर देखो आपके पास रास्ता, यहाँ से वहाँ जाने का तीन रास्ता है, लंबा रास्ता, बीच वाला, सबसे छोटा, यहाँ चलेंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव, और फिर ये सिक्स थ्री वन, यानी वहाँ आ गए, इसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। समझ गए, यानी एक से शुरू किया, अगले पर गए ब्रिज हेड, फिर पहले पे आए और फिर उस पहुँचे, तो ये है सिक्वेंस। तो क्या करेंगे, बाई साइकिलो, तो टोटल कार्बन है सिक्स, या इसको जोड़ दो थ्री प्लस वन जीरो प्लस टू, क्योंकि टू कॉमन है सिक्स, तो ये हो गया हेग्स एन। ये और सुनिए बता रहे कैसे, जैसे सपोज करो, देखना ध्यान से देखना, सपोज करो ये यहाँ पर हम, ये यहाँ पर ये हम कंपाउंड ये ले रहे हैं, ये ऐसे, तो कौन सा है ब्रिज हेड, ये है ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे वन, अब कहाँ चलें, तो पहले बताइएगा, पहले बताएंगे बाई साइक्लो, क्या आप रास्ते के पिलर्स देख पा रहे हैं, देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सबसे बड़ा चेन ये है, और फिर ये वन टू थ्री, ये है थ्री, ये डॉट, और ये है वन, तो ये फाइव थ्री वन, ये बता रहा है नंबर ऑफ पिलर्स। नंबर यहाँ करेंगे तो वन यहाँ चलिए, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और फिर इधर से एट नाइन टेन, और फिर यहाँ पर उसी के ऊपर होते हुए इलेवन, ठीक है। तो ये फाइव कौन कौन से हैं बताना, ये फाइव कौन कौन से हैं, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये नंबर है ये फाइव, और ये थ्री कौन कौन से हैं बताना देख करके, यहाँ पर एट नाइन टेन, ये जो एट नाइन टेन है, और ये वन कौन सा है, ये इलेवन नंबर ये है। तो फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन नाइन प्लस टू इलेवन, ऐसे भी दिखे इलेवन, तो ये जगह बाई साइक्लो फाइव थ्री वन अनडेक, अनडेकेन, इलेवन बोलते हैं अनडेक, बताया था हमें आपको, हम 9000 तक आपको बता देंगे आपको हम, ठीक है। डिमांड होगा तब, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स ई हो गया, राइट, बाई साइक्लो। अब इसी में देखिए, चाहे भले ही एफ जी कहीं भी कर दो, इसमें डबल वन कहीं भी कर दो, हर हाल में आपको, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन से निम्न करना है, फिर लॉन्गेस्ट चेन और फिर एफ जी। मतलब जैसे अगर सोचो, जैसे अगर इस तरह का कंपाउंड कोई दिया ऐसे, तो अब ये बताना, ये आपको दिख रहा है बाई साइक्लो टू टू वन सिस्टम दिख रहा है, टू टू वन। तो अब अगर नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे हर हाल में, यहाँ ऊपर कैसे भी, अब सपोज करो ये चलेंगे वन, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तो वन टू थ्री फोर, और फिर ये फाइव, और ये सिक्स, और फिर तो ये सेवन, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे बाई साइक्लो टू टू वन, और फिर नंबर यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर है सेवन, टू टू वन फाइव प्लस टू सेवन, तो ये हो गया हेप्ट, हेप्ट, और ये क्या, ये टू और ये इन, क्योंकि टू थ्री के बीच में, ठीक है। इसमें कुछ और आपको दिखाते हैं टिपिकल केस, इसको मिटाइए जरा, इसको ध्यान देखते रहिए, इसको मिटवा रहे हैं। देखिए तो बाई साइक्लो आपने समझ लिया आपने कि किस तरह से चलेंगे। देखिए अब जैसे एक हम एक एग्जांपल फ्रेम कर रहे हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, राइट, बहुत ध्यान से इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ओके। रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, इसको रुको, हम ऐसे लेते हैं, ऐसे, ये स्टेट चेन है, ठीक है। जा देखिएगा भाई, यहाँ पर हमने किया OH, अब सुनिए यहाँ क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, फिर है लॉन्गेस्ट चेन, इसके बाद में है फंक्शनल ग्रुप, और फिर है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद में है प्रीफिक्सेस।
तो ब्रिज हेड कार्बन तो या तो इसको वन या उसको वन कहेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन अगर देखिए ये तो ये है क्या, ये है बाई साइक्लो, और देखो इसके बीच में वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन टू थ्री है, तो बाई साइक्लो थ्री टू और वन। क्या आप कुछ देख पा रहे हैं ये थ्री कौन कौन से, आप सुनिए बता रहे हैं। तो नंबरिंग इसको अगर वन कर देंगे तो ये टू थ्री फोर फाइव, और फिर यहाँ पर सिक्स सेवन, और फिर ये एट लिखेंगे, राइट। तो ये टू पर आ जाएगा, टू पे आ जाएगा ऑल, टू पे ऑल, टू पे ऑल, ठीक है। वही देखिए, वही हम फिर लिख रहे हैं एक बार और, उसी को एक बार हम और लिख रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो में इसको हम एक बार और लिख रहे हैं ऐसे, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में। अब सपोज करो, और यहाँ पर OH है, वही सेम कंपाउंड है। अब हम क्या करें, नंबरिंग यहाँ से वहाँ से करें वन, तो हर हाल में पहले लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन, फिर लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ चलेंगे तो यहाँ जाएंगे, वहाँ चलेंगे तो यहाँ आएंगे, वहाँ चले तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर ये एट, मैंने पहले सबसे लंबे पर, फिर छोटे, फिर लास्ट में, पैटर्न वही रहेगा। अब बताएंगे इन दोनों में, ये मान लो पॉसिबिलिटी ए है, ये मान लो बी है, इन दोनों में कौन प्रिफर्ड होगा, बता रहा हूँ। यहाँ चले से देखो टू पर आया ओल, वहाँ पर फोर पे आ रहा है ओल, तो बी एस सी आपने देख लिया, लांगे देखिए फिर एफ जी, तो स्वभावतः ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, क्योंकि वो फोर पे ओल आ रहा है। और मान लो ये दोनों सेवन था, फिर डबल बांड देखिए फिर कौन था पहले, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ चल रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से तो ये डबल बांड इसको क्या बोलेंगे, बोलिए इस डबल बांड क्या बोलेंगे, इसको हम फाइव इन कहेंगे या सिक्स इन क्या कहेंगे बताइए, इसको फाइव इन कहेंगे या सिक्स इन यहाँ पर क्या बोलेंगे बताइए। स्वाभाविक सी बात है फाइव और सिक्स के बीच है, क्लियर सी बात है, ये फाइव और सिक्स के बीच है, इसलिए इसीलिए हम इधर तरफ में जा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ तो फाइव से पीछे तो ये तो फाइव पिन होगा, क्यों, क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी फाइव से तो सिक्स गए, ये भी हो सकता था कि सिक्स से वहाँ जाना पड़ता, ऐसा कोई एग्जांपल आ रहा है बता रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल देखिए हम फ्रेम कर रहे हैं अभी, आप देखने का प्रयास कीजिए, ऐसा कोई एग्जांपल अभी तुरंत आपको दिखाई पड़ जाएगा, रुकिएगा। जैसे देखो यहाँ पर डबल बांड है, देखते ना भाई, यहाँ पर डबल बांड है और यहाँ पर डबल बांड है, और रुको 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 रुको, जरा वेट करो, जरा वेट करो, अभी लिखो मत, अभी हम लिख रहे हैं, अभी आप फ्रेम, अभी आप वेट करो, अभी हम इसको लिख रहे हैं, अभी आप जरा वेट करें, अभी आप वेट करें, अभी आप वेट करें, ठीक है। ये अब सुनिए, ब्रिज हेड कार्बन नंबरिंग या तो यहाँ से वहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे, देखो ये सिस्टम क्या हो गया, ये हो गया बाई साइक्लो टू टू वन, ये सिस्टम है टू टू वन, ये सिस्टम है। और यहाँ पर अब हर हाल में लॉन्गेस्ट चेन और फिर एफ जी, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज हेड कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन अभी तो इसमें चलेंगे क्योंकि दोनों टू टू हैं, लेकिन इसमें फ्रेंड ग्रुप है, तो वन टू थ्री फोर, वहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि वन टू थ्री पे आते हैं, टू पे आ गया फोर, फिर आप यहाँ जाएंगे नहीं, ये डबल बांड है, तो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ क्या जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे फाइव सिक्स और फिर ये सेवन, तो ये डबल बांड, ये मैं पूछ रहा था यहाँ पर ये कि क्या ये फोर इन है या ये सेवन इन है, क्या है ये पूछ रहा, तो देखो ये फोर इन नहीं है, सेवन इन है, क्योंकि सेवन से, अरे भाई आप देखो जा कैसे रहो, देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर यहाँ से गए इधर ना, तो सेवन से जा रहे हैं, तो डबल बांड में पहले सेवन से आए, तो इसलिए ऐसे हालत में सेवन ब्रैकेट में फोर इन यहाँ पर लिखेंगे। मतलब जैसे नॉर्मल आप जो देखते थे, जैसे यहाँ आप लिखाइए तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो लिखना चाहिए ब्यूट टू ब्रैकेट में थ्री इन, जो बताता है टू थ्री बीच में, लेकिन ओपन चेन में टू के बाद थ्री आएगा ही आएगा, यानी कि डबल बांड उसी पर होगा, तो ये लिखते नहीं, लेकिन ब्रिज हेड की डबल बांड अगर है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हायर नंबर से लोअर पर जाएं, ठीक है। ये हो गया बायसाइकिल सिस्टम, अब आते हैं स्पायरो सिस्टम, आते हैं इसको मिटा रहे हैं, अब आप देखिए
हाँ देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड ये है जहाँ टू रिंग फ्यूज तो हो परंतु एक ही जगह से ये हो जाए फ्यूज, ऐसे समझ रहे हैं भाई। देखो फाइव मेंबर रिंग और ये जुड़ा था ये, तो दिस वाज नॉट बाईसाइक्लिक, नॉट स्पायरो, ये बाइसाइकिल नहीं, स्पायरो एक ही जगह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या नंबरिंग, तो यहाँ पर देखिए पहला स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग इज प्रीफर्ड, सबसे पहले स्मॉल रिंग को प्रीफर करेंगे, वहाँ से लॉन्गेस्ट यहाँ स्मॉल, और उसके बाद फिर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। स्मॉल रिंग पहले देखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, इसके बाद में फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर लास्ट में यहाँ पर देखेंगे प्रीफिक्सेस, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, ये सब क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो ईथर, ये सब प्रीफिक्सेस हैं, समझ गए, एल्कॉक्सी नाइट्रो, ये सब प्रीफर्ड ग्रुप है, यानी कि प्रीफिक्सेस हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, और स्मॉल रिंग इज प्रीफर्ड, और दूसरा यही पर बल्कि वन डैश कह लें, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नियरेस्ट, फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन ऑफ स्पायरो, स्पायरो कार्बन। देखो ये जो जुड़ा है इसी को बोलते हैं स्पायरो कार्बन, यानी जो जुड़ा हुआ है दो रिंग से, तो ये लार्जर रिंग स्मॉल, तो नंबरिंग यहाँ तो नहीं, यहाँ से करेंगे इसकी, या वहाँ कहीं से भी, वन टू थ्री और ये फोर, और फिर कहीं भी फाइव सिक्स सेवन एट, ये कहीं पूछेंगे से, सपोज करो डबल बॉन्ड यहाँ होता तो फिर यही चलते, फिर मतलब यही वाला ग्रुप देखते रहो भाई, यही वाला ग्रुप सपोज करो, यही वाला ग्रुप अगर जैसे डबल बॉन्ड यहाँ है तो अब यहाँ करते हैं, तो वन टू थ्री फोर और फिर ये फाइव सिक्स सेवन एट, और सपोज करो यहाँ पर कहीं जुड़ जाए सी एल तो फिर ये फोर्थ, फिर यहाँ फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है। और इसी में देखो ध्यान से ना भाई, देखो बिल्कुल भाई रूल है, वही सब सिंपल रूल्स हैं, कोई बहुत कहानी नहीं है। डबल बॉन्ड ये यहाँ है ओ एच, और डबल बॉन्ड रुको, और डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पर है सी एल, अब बताओ कहाँ से करेंगे, तो ये ब्रिज कार्बन है इसके नजदीक यहाँ से या यहाँ से, अब एफ जी आ गया, तो ये वन टू थ्री फोर, अब वहाँ जाएंगे फाइव, तो ये फाइव, तो क्यों एफ जी के बाद डबल बॉन्ड लास्ट में फिक्स, तो फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया एट, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे वही प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस एफ जी में ही सुधार, उसमें क्या था बाईसाइक्लो में, यही बीच में आप जोड़ दिए थे बाईसाइक्लो और ये डॉट डॉट ये जोड़ दिए थे, डॉट डॉट यहाँ पर ये जोड़ दिए थे, ऐसे यहाँ पर भी जोड़ देंगे स्पायरो और बीच में सिर्फ एक डॉट, क्योंकि एक यहाँ पर कार्बन है राइट। तो ये बता पाएंगे, ये वाला देखो यहाँ पर ये थ्री और ये है वन टू थ्री फोर, यानी यहाँ पर ये थ्री फोर सिस्टम है, अरे भाई इसको छोड़ के जैसे वहाँ ब्रिज कार्बन को छोड़ देते थे, तो ये हो गया थ्री और ये थ्री कौन कौन से हैं, वन टू थ्री, ये फोर कौन कौन से हैं, फाइव सिक्स सेवन एट, और प्रीफिक्स क्या एट, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, तो ये हो गया एट क्लोरो, पूरा लिख रहे हैं ठीक है, देखिएगा पूरा पूरा लिख रहे हैं पर ये, तो एट क्लोरो प्रीफिक्स, फिर ये उसी कंटिन्यूशन में स्पायरो और ब्रैकेट में आपने कहा ये, आपने देखा पर ये थ्री डॉट फोर, ये लिख लिया नंबर पूरा जोड़ देंगे, थ्री प्लस फोर सेवन प्लस वन एट, यहाँ वन जोड़ेंगे क्योंकि ये कम है और पूरा कम एट दिख रहा है, तो ये हो गया एट क्लोरो स्पायरो, थ्री फोर एट है तो ये हो गया आठ, और इन है फाइव के बीच में, देखो तो ब्रिज एट पर नहीं है, यहाँ वो भी नहीं सकता क्योंकि बैलेंसी फाइव हो जाएगी तो फिर नो नंबर आए गए, तो आठ ये हो गया फाइव इन, यानी यहाँ पर फाइव सिक्स इन कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये ब्रिज हेड पर नहीं है, तो फाइव बाय सिक्स आएगा सिक्स इन, और यहाँ पर कोई और वन ऑल है तो ई हटा देंगे और यहाँ पर ये वन ऑल, तो ई हो गया इसका नेमिंग, देखा आपने, ये बिल्कुल आसानी से आपने देख लिया राइट। अब इसको जरा मिटाइए, देखिए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी एक बार देख लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए इस तरह से, जैसे ये देखना भाई, ध्यान से बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान से देखना,
बहुत ध्यान रखना, ये ऐसे। अब ये बाईसाइकिल नहीं ट्राईसाइकिलिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा रूट ये, इसको अभी भूल जाओ, यानी इसको अभी आप इसको भी आप भूल जाओ, तो नंबरिंग करेंगे वन और फिर सबसे बड़े रूट पर टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स सेवन, ये एट नाइन, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन। मतलब सब ब्रिजिंग हेड कार्बन, फिर सबसे लंबा रूट, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब ये हो गया थ्री, तो ये हो गया यहाँ पर ट्राई साइक्लो। देखो अगर सोचो, अगर ये नहीं होता, ये अगर ये नहीं होता ये, तो फिर आप क्या लिखते, तो फिर आप इसको लिखते बाई साइक्लो, और फिर क्या लिखते बताना, थ्री डॉट टू, थ्री डॉट टू डॉट टू लिखते इसको आप, ये ऐसे लिखते ऐसे। ये थ्री कौन कौन से हैं, ये देखो टू थ्री फोर, ये थ्री, और ये टू कौन कौन से हैं, देखो ये चूंकि सिमेट्रिकल है ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चाहे हाँ भी सिक्स सेवन, तो फिर वो हो जाता है एट नाइन, ये दोनों बराबर हैं, राइट। और मान लो जैसे यहाँ पर डबल बांड आपने अगर यहाँ बना दिया, अगर अगर आपने बना दिया डबल बांड, तब तो मजबूरी आप इधर जाएंगे, डबल बांड है तो भी लॉन्गेस्ट रूट को प्रिफर करेंगे पहले, याद रखिएगा। तो अब ये वाला टू कौन सा है, सेकेंड टू कौन सा है, सिक्स और सेवन, ये सिक्स और सेवन वाला, और ये टू कौन सा है, एट और नाइन। लेकिन ये थ्री अगर देखें, थ्री के ऊपर ध्यान देना, ये थ्री टू और टू, थ्री के ऊपर हम वन कामा फाइव, वन कामा फाइव, वन कामा फाइव, लेकिन कुछ में आया, ये तीनों यानी टू थ्री फोर, ये ब्रिज हेड है, वन फाइव, ये ब्रिज हेड वन फाइव के बीच में है, ऐसे ये वाला भी वन फाइव, तो जो बाईसाइक्लिक है उनके सभी ये सेम होंगे, इसलिए ऊपर लिखते नहीं। लेकिन पॉलीसाइक्लिक में सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता होगा, जैसे यहाँ पर सेम, जैसे यहाँ पर हमने इसको हमने जोड़ दिया, तो अब हम यहाँ पर इसको ये देखेंगे, इसको लिखेंगे ट्राई साइक्लो, ध्यान देखना ट्राई साइक्लो, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वही थ्री टू टू वन, इसमें ये इस वन वाले के ऊपर ये वन और फाइव लिखना ज़रूरी है, बाकी ये शुरू के तीन मत लिखो क्योंकि अंडरस्टूड है, लेकिन ये वाला ऐसे हम बताएंगे भी केस जहाँ पर क्यों होता है उसी पर ना हो, बाकी इसकी नेमिंग बिल्कुल सेम है, कैसे ट्राई साइक्लो थ्री टू टू वन। और अब देखेंगे नंबर, नंबर कितना हो गया, अरे ये मालगाड़ी ट्रेन कहाँ जा रही है, तो थ्री टू टू वन, तो कितना हो गया थ्री प्लस टू फाइव सेवन, वन एट और टू टेन, यहाँ टेन दिख रहा है, अरे पावरफुल ट्रेन है तो पूरी आवाज बता के मानेगा कि हम हैं दुनिया में, अरे मान जाओ भैया, चलो देखो तो थ्री टू टू वन, और यहाँ पर हो गया डेक, और डेक और ये सेवन इन, ये और यहाँ पर वन फाइव लिखाइए, क्योंकि जो लास्ट वाला लिखना पड़ेगा, जैसे हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, अब आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान देखना भाई, बहुत सावधानी देखना, बहुत सावधानी से, ये ध्यान देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ब्रिज हेड कार्बन वन टू थ्री फोर, ये फोर ब्रिज हेड कार्बन हैं, वहाँ पर सिर्फ दो ही था, यहाँ पर चार चार हो गए ब्रिज हेड कार्बन, तब कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे, चलो चलो यहाँ चलो वन, और फिर देखो रूट देखो, तो हर जगह एक गैप है, तो वन टू थ्री, अब कहाँ से आएंगे, चलो ये फोर ये फाइव, और अब ये सिक्स यहाँ आएंगे तो गलत हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रूट चलो जहाँ से चलो लॉन्गेस्ट चल, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स ये सेवन ये एट, फिर यहाँ पहुँचे, और फिर यहाँ से आएंगे ये नाइन, और फिर जो बचा वो यहाँ पर टेन। मतलब आप जानते हैं ब्रिज हेड में क्या सिस्टम था, ब्रिज हेड में सिंपल सा ये तरीका था कि जहाँ से चलेंगे लॉन्गेस्ट से वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ पहुँचेंगे, तो जैसे यहाँ से चले, देखो यहाँ से ये चले हैं, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये यानी आठ कार्बन, एट कार्बन का रिंग है, इससे बड़ा नहीं हो सकता होगा, वहीं से मुड़ जाते हैं तो खाली सिक्स का होता, गलत होता। दूसरे यही से थ्री फोर फाइव,
सिक्स सेवन एट तो भी वही पूछते, तो ही बात वही पूछता, ये सिमेट्रिकल ये तमाम एग्जाम्पल देख के बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 10। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ से आप चले और यहाँ पर आप पहुँचे, फिर यहाँ से आइए, तो ये वन और जैसे अभी आप कहाँ कहाँ नहीं चले, देखिए अभी आप इस रूट पर ये नहीं चले हैं, यानी ये वाला अभी आप चले ही नहीं, इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। तो इसी का अगर नेमिंग करना होता आपको अगर, तो अब ये बेसिक बाईसाइकिल कंपाउंड हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको, उसको मिटा दिया, अब तो कोई डाउट नहीं ना भाई, कि देखो भाई लॉन्गेस्ट रूट अब तो दिख रहा है, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो इसको बोलते क्या, इसको बोलते बाईसाइक्लो। और अब ये बताना भाई, ये देखो ये यहाँ पर 3.3.1 और 3.3.7 और 2.9, तो क्या ये नॉन एन दिख रहा है, इसमें ये थ्री कौन सा है, इसमें ये थ्री कौन कौन से हैं, ये है 2, 3 और 4, और ये थ्री कौन कौन से हैं पिलर, 6, 7, 8, 6, 7, 8, और ये वन कौन सा है 9, और ये थ्री के ऊपर देखो 1, 5, इसके ऊपर भी 1, 5, इसके ऊपर भी 1, 5 लिखेंगे 1, 5, क्योंकि सभी 1, 5 बीच में हैं। लेकिन अब ये जो था जो टेंथ वाला ना, अब इसको क्या बोलेंगे, तो अब इसी की जगह बोलेंगे ट्राई, तो अभी हो गया ट्राई साइक्लो और 3.3.1.1 एक और आ गया एक्स्ट्रा। और फिर अब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ देखिए जो नोन था अभी वो डेक हो गया, तो ये हो गया डेक एन, ये हो गया डेक एन। लेकिन ये वन वाला वन के ऊपर लिखेंगे क्या 3, 7, 7, 3 नहीं 3, 7, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये 7, और ये 3, 3, 1 नहीं लिखते क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 1, 5 के बीच में होंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये तो अथाह समुंदर है, जितना चीनी खोलेंगे उतना मीठा होगा, ये तो हरी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठीक है, तो आपकी डिमांड पर हमने ये IUPAC पर दो वीडियो आज मैं अपलोड ये कर दिया हूँ, और जो हमने क्वेश्चन दिया था कल उसको आज और सॉल्व कीजिएगा, उसमें हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और IUPAC पर हमने करीब 45 क्वेश्चन दिए थे। अब इसको आप और एक बार देखिए वीडियो, याद रखिए जूम क्लास पर डाउट क्लियरेंस के लिए तभी 90 दिन पूरा होगा। सोचिए भाई जो बच्चे 11th के खास करके, जरा सोचो कि अगर 90 डेज में आपका 11th 12th दोनों केमिस्ट्री पूरा हो जाए भाई साहब, तो आपके लिए सिर्फ फिजिक्स और मैथ में पालो टेंशन, केमिस्ट्री से मुक्त हो जाओगे, समझो, सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। फिर क्या करेंगे बन के 1.5 साल पौने 2 साल, सिर्फ सवाल, फिर वो डाउट क्लियर, तब आता है टॉप 100 में आता है रैंक। ठीक है, उसी का सपना देख रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।